नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड 7th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8, दोहाष्टक सर्वनाम। बाल मित्रों, अब हम मध्यम पुरुष की परिभाषा देखेंगे। मध्यम पुरुष की परिभाषा में श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि, ये सब किसके मध्यम पुरुष है और उनके लिए कौन से सर्वनामों का उपयोग किया जाता है? तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। बाल मित्रों, तू शब्द का उपयोग है वह हम अपने से छोटों के लिए करते हैं और तुम शब्द का प्रयोग है वह सर्वनाम का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? हमारे हम उम्र के लिए, मतलब हमारे मित्रों के लिए, जो हमारी उम्र का, हम उम्र मतलब जो हमारी उम्र का हो या हमारे साथ पढ़ता हो, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? तुम शब्द का उपयोग करते हैं। और आप शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अपनों से बड़ों के लिए, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए आप किसका सर्वनाम का प्रयोग करोगे? आप शब्द का प्रयोग करोगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटों के लिए जब हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, बड़ों के लिए करते हैं और अपनी हम उम्र के लिए करते हैं तो किस तरह से किया जाता है। जैसे कि पहला है करता है, तो करता यानी कार्य को करने वाला, तो तू और तूने। अगर हमसे छोटा है, अगर मेरे भाई का नाम श्याम है और वो छोटा है, तो हम अपने भाई का नाम श्याम बोलने की बजाय क्या बोलोगे? तूने यह कार्य नहीं किया है, फिर तूने मुझे नहीं बताया। तो हमने भाई के, जो हमने सेकंड पर्सन है ना, हम किससे बात कर रहे हैं? किसी दूसरे से। तो वहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए हमने तूने का या तूने का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम उम्र है, तो तुम और तुमने। तुमने मुझे अपनी चीज़ नहीं बताई। तुम, अगर मेरा कोई मित्र है, मेरा कोई साथी मित्र है, तो हम क्या कहेंगे? अरे, तूने तो मुझे यह नहीं बताया। तो तूने या तुमने शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर बड़ों के लिए क्या होगा? आप और आपने। फिर कर्म के अंतर्गत, वे कारक चिन्ह कर्म के अंतर्गत क्या आएगा? तुझे, तुमको। हम उम्र के लिए तुम्हें, तुमको, और बड़ों के लिए आपको। फिर तीसरी वे कारक में करण के लिए तुझसे, तेरे द्वारा। हम उम्र के लिए तुमसे, तुम्हारे द्वारा। बड़ों के लिए आपसे, आपके द्वारा। फिर संप्रदान में आएगा क्या? तेरे लिए, तुम्हारे लिए और आपके लिए। फिर अपादान में क्या आएगा? तुझसे, छोटों के लिए, हम उम्र के लिए तुमसे, और बड़ों के लिए आपसे का प्रयोग होगा। फिर संबंधक में क्या होगा? तेरा, तेरे और तेरी, छोटों के लिए प्रयोग करेंगे सर्वनाम का, और अपनों के, अपना हम उम्र के लिए तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी, और बड़ों के लिए क्या होगा? आपका, आपके और आपकी। और अधिकरण में किसका करेंगे? तुझ में, तुम पर, छोटों के लिए, अपने हम उम्र के लिए तुम में, तुम पर, और बड़ों के लिए आप में और आप पर। ऐसे सर्वनामों का हम उपयोग करते हैं। बाल मित्रों, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम हमेशा सच बोलते हो, तुम हमेशा सच बोलते हो। अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, हमारे मित्र से, तो हम क्या बोलेंगे? मित्र, तुम हमेशा सच बोलते हो। फिर दूसरा, अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है और हमारे घर आया है, तो हम बोलेंगे कृपया आप बैठिए। हमें उन्हें बैठने के लिए कहना है, तो हम क्या कहेंगे? कृपया आप यहाँ बैठिए। फिर उसके बाद छोटा है, तुझे बस खेलने की ही पड़ी रहती है। अगर कोई व्यक्ति, छोटा सा बच्चा है, वो आए और उसे बोले कि मुझे खेलने जाना है, तो हम क्या बोलेंगे? तुझे तो बस खेलने की ही पड़ी रहती। तब हम क्या, कौन से सर्वनाम का उपयोग करते हैं? तुझे का उपयोग करते हैं। उसके बाद है तुम्हें, परीक्षा में पहले, तुमने परीक्षा में पहले से पूरी तैयारी कर ली है, ये
या तुम्हें परीक्षा से पहले पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। तो हमने क्या तुम्हें मतलब हम क्या करना है, हमें हमारे मित्र के लिए उपयोग किया है जो हमारी अहम उम्र का है। फिर उसके बाद आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी, अगर हमारे घर कोई आता है तो हम उनसे क्या पूछते हैं कि आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए है। फिर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मुझे तुम पर, यदि कोई छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो। फिर यह घड़ी मैं आपके लिए लाया हूँ, क्या है यह घड़ी मैं आपके लिए है या आपके लिए लाया हूँ। तो बाल मित्रों, उत्तम पुरुष में किस तरह से सर्वनामों का उपयोग किया जाता है और मध्यम पुरुष में किस तरह से सर्वनामों का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग हम सीख चुके हैं, यानी सीख चुके मतलब इस वीडियो में हमने इसका उपयोग सीखा है। बाल मित्रों, अब हम अन्य पुरुष के बारे में देखते हैं। अन्य पुरुष में कौन से सर्वनामों का एकवचन में और बहुवचन में उपयोग होता है। सबसे पहले बोलने वाले यानी वक्ता, जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। वक्ता बोलने वाला यानी वक्ता, वक्ता जब जिसके विषय में किसमें जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है या उसके विषय में कुछ बोलता है तो उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द है वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है। किसके अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम। अब अन्य पुरुष सर्वनाम में क्या खासियत है कि बोलने वाला जिसके विषय में बातचीत करता है तब इन सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वह शब्द लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। वह शब्द है, वह लड़का और लड़की दोनों के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। जब क्रिया में कोई अंतर करने के लिए, अगर हमें कोई क्रिया है उसमें अंतर करना है तो हमें सबसे पहले वाक्य में लिंग स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि लड़का है तो कर रही है, लड़का है तो कर रहा है, तो जो क्रिया है उसमें लिंग है उसको स्पष्ट करेंगे तो ही क्रिया में अंतर आएगा। अब हम इसके एकवचन और बहुवचन में उसे सर्वनामों का कैसे उपयोग किया जाता है उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर करता है तो एकवचन में क्या आएगा, वह, उसने, तो बहुवचन में क्या आएगा, वह का क्या बन जाएगा, वे, और उसने का क्या बन जाएगा, उन्होंने। फिर कर्म है तो कर्म के अंतर्गत क्या आएगा, उसे, एकवचन में क्या आएगा, उसे, और उसको, तो बहुवचन में क्या आएगा, उन्हें और उनको। उसी तरह थर्ड में करण में क्या आएगा, उससे, उसके द्वारा, तो बहुवचन में क्या आएगा, उनसे, उनके द्वारा। फिर संप्रदान में क्या आएगा, उसे, उसके लिए, तो बहुवचन में क्या आएगा, उन्हें, उनके लिए। अपादान में क्या आएगा, उससे, और बहुवचन में उनसे। फिर संबंध में क्या आएगा, उसका, उसकी, उसके, और यहाँ पर बहुवचन में उनका, उनकी, उनके, और अधिकरण में आएगा उस पर, उसमें, और यहाँ पर उन पर और उनमें। बाल मित्रों, यह सर्वनाम हम अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उसमें सर्वनाम देखे, सर्वनामों के एकवचन रूप देखे और बहुवचन रूप देखे। ये आपको क्यों बताया गया है इतना डीप में, उसका कारण है कि जब हम निबंध लिखते हैं या कभी हम कोई अहवाल लिखते हैं या किसी भी पत्र लिखते हैं तब हमें किन व्यक्तियों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, एकवचन, बहुवचन में हम कौन से सर्वनामों का उपयोग करें वो हमें ज्ञात नहीं होता है और हम अपने अनुसार उसमें सर्वनाम का उपयोग कर देते हैं, जिसके कारण भाषा शुद्धता नहीं हो पाती है
और अगर हम बहुवचन के में अगर हम एक वचन का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो वाक्य रचना है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि हम बोल रहे ज़्यादा लोगों के लिए और सर्वनाम किसके एक वचन सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं शब्द का, तो हमारे वाक्य है वो गलत होगा। इसीलिए खास करके आपको यहाँ डीप में क्यों आपको समझाया गया है कि यदि हम एक वचन में जिस सर्वनाम का उपयोग करते हैं अन्य पुरुष में, तो बहुवचन में कौन सा सर्वनाम का उपयोग होगा, वे का हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा टेबल बनाया गया है। तो अभी हमने सबसे पहले कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम देखा। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार हैं, कौन कौन से, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। आज हमने इसे टेबल के द्वारा तीनों पुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद हम आगे के सर्वनाम है वह हम देखते हैं। बाल मित्रों, अब हम दूसरे नंबर का निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की, निकट यानी पास की, दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध करवाते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसमें वे और वह, इस सर्वनाम में वे और वह शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों सर्वनामों में प्रयोग किया जाता है। वह का और वे का जो प्रयोग है, सर्वनामों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखें तो जैसे यह मेरा बस्ता है, वह मेरा घर है, इसमें निश्चय निश्चित बताया जा रहा है कि यह मेरा ही बस्ता है, बस्ता यानी बैग है, और वह मेरा ही घर है, इसके बारे में निश्चय पूर्वक कहा गया है, इसलिए यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि यह निश्चित तौर पर हमें पता नहीं चलता है कि कौन है, क्या है, किसका है, किसके लिए है, इस बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है ना, हम निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से एक बार हम परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई, कितना आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। कोई ना कोई आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। प्रायः सजीव के लिए, सजीव मतलब जो जीवित है, उसके लिए कोई, और जो निर्जीव शहर के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका बाल मित्रों, कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण देखते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, हम नहीं जानते कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग किया। फिर वहां कितना कूड़ा पड़ा है, अर्थात यहाँ पर देखिए वहां कितना कूड़ा पड़ा है, इन्हें हम नहीं जानते वहां पर कितना कचरा पड़ा हुआ, कूड़ा यानी कचरा पड़ा है, तो उसके लिए हमने किसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।